सब दीदी के हमार प्रणाम। प्रणाम। आज के विशेष मीटिंग में यहाँ सब अली और आज के एक एजेंडा है जे पर हमरा चर्चा करे के है। दीदी दीदी अनाज और सब्जी के खेती तो हम सब करते हती, एकरा साथे अगर फल के खेती कैल जाए तो स्वास्थ्य भी ठीक रहते और आमदनी के वो विशेष स्रोत भी बनते। दीदी अनाज और सब्जी के खेती तो करते हती भैया, तो फल के खेती कहला करो। दीदी अनाज और सब्जी के खेती करता रहली है तो उकरा बाद अगर फल के खेती भी साथे साथ कैल जाए तो फल जो है अपना घर के रहते तो खाए के काम भी आ जाते और उकरा बाद बेच करके अच्छा आमदनी भी कैल जाते। समझ रही दीदी? कौन सा खेती फल के करवे भैया जे स्वास्थ्य भी ठीक रहते आमदनी भी बढ़ते। दीदी हम सब पपीता के खेती के बारे में तो जनबे करे छी, कुछ लोग भी घर के आसपास दो चार पांच पौधा लगबै छथिन। पपीता के जे भी खेती हम सब घर के आसपास करे छी उ तो ज्यादातर हमरा सब के खाही में यूज हो जाए छै, खाही में खत्म हो जाए छै। कहला के दीदी जितना भी व्यापारी हतन पपीता जे भी बेचे ला लबै छन दूसरे जगह या दूसरे जिला से लबै छन, अगर अपना यहाँ अगर खेती कैल जाए तो एक एकड़ में करीब 2 लाख रुपया के आमदनी आराम से कैल जा सके। दीदी एक एकड़ में भैया 2 लाख रुपया कैसे आमदनी होते? हाँ भैया कैसे आमदनी होगा भैया? अब हम जो तरीका बतावे जा रही है दीदी पपीता के खेती के बारे में, अगर वही तरीका से खेती कैल जाए पपीता के तो जरूर अच्छा आमदनी होते। कौन तरीका से खेती होते भैया से बतावे तुम ना? हाँ भैया बताओ। दीदी इस साल पपीता के बीज पीजी के माध्यम से मिल रही है। हाँ भैया मिल रही है। हाँ हाँ भैया। तो ओकरा जो है सबसे पहले खेती करे के लिए नर्सरी लगाएल जाता, उ नर्सरी लगावे के तरीका भी यहाँ के हम साथे साथ बता रही है। अच्छा भैया। सबसे पहले यहाँ के पपीता के बीज जो हम ले ली है एक पैकेट वहाँ सबके हम दिखा रही है। पपीता का बीज दीदी आहा सब तो पपीता के बीज देखिए लेली, तो अब बताओ कि आहा सब दीदी में से कौन दीदी अभी तैयार हतन जिनका खेती के तरीका बताएल जाए? हम करम भैया। दीदी पपीता के खेती करे से पहले पपीता के नर्सरी तैयार कर जाए। नर्सरी कैसे तैयार होती भैया? उ नर्सरी आहा के तैयार करके हम बता दे रही। तब चलो दीदी यहाँ सबके हम नर्सरी तैयार करके बता दे। दीदी तो सबसे पहले यहाँ के हम सामग्री के बारे में बता दे थी कौन कौन सामान लगते नर्सरी लगावे से पहले। सबसे पहले दीदी पपीता के बीज चाहिए। पपीता का बीज 60 पीस इकट्ठा के लिए। ओकरा बाद मट्टी भी चाहिए। मिट्टी जी। बर्मिक कंपोस्ट या 6 महीना से ऊपर के सरल गोबर जो है। आलू भी चाहिए दीदी। ढके के लिए पुआल भी चाहिए। बीज के पैकेट के साथ है ना दीदी? पॉली बैग भी देले है नर्सरी तैयार करे के लिए जे कि यहाँ के हम दिखा रही है। देखो ये में बीज है और पॉली बैग बोलल जाए छे, 10 बीज के साथ 10 पॉली बैग रहे छे। ये 10 पॉली बैग में हम 10 नर्सरी तैयार कर लेवे दीदी। सामग्री के बारे में तब अहाँ के हम बताइए दिली दीदी। हाँ भैया। अब जो है प्रक्रिया के बारे में अहाँ के हम बता रही है कि नर्सरी कैसे तैयार कैल जाते। सबसे पहले पॉली बैग के देख लूँ। पॉली बैग में जो है ना तीनों के मिश्रण डाले के है, बर्मिक कंपोस्ट बालू मट्टी, एक तीनों के अच्छा से मिला ले वेला है फिर ए में डाले के है पॉली बैग में। केचुआ खाद है मिट्टी या बालू सब मिला के ही भरे के भैया? हाँ दीदी सब मिला के पॉली बैग में
डाले के। बर्मी कंपोस्ट जो है दीदी 50% होवे के चाहिए, मट्टी 25% और बालू 25%। मतलब ये पोली बैग में आधा बैग बर्मी कंपोस्ट, ओकरा बाद आधा में आधा मट्टी, ओकरा बाद बालू। दीदी हम अब सबसे पहले बर्मी कंपोस्ट नाप ले थी। दो गिलास बर्मी कंपोस्ट नाप ले ली दीदी, अब एक गिलास मिट्टी और एक गिलास बालू नाप के ऊपर रख के मिलाए। अब हम मिला रही है दीदी, अब जो है दीदी इमें जे भी मोटा पत्थर या कंकर या मोटा ढीला मट्टी के भी अगर नजर पड़े तो ओकरा हटा देवे के है, ताकि बीज के जनमेशन में दिक्कत ना होते। अच्छा दीदी एगो पोली बैग लाऊ, अब ओमे जो है मिलाल मट्टी बर्मी कंपोस्ट बालू के डाल रही है। भैया पोली बैग में तो एगो छेद है। अच्छा दीदी बहुत अच्छा सवाल कैली, 200 के 10 बैग में यहाँ के दोनों तरफ से यहाँ के छिद्र दिखाई दे, ठीक ना दीदी? अच्छा। दीदी ये पोली बैग में जो दोनों तरफ से छिद्र है, ये जो है जब हम नर्सरी अब लगा रही है, मट्टी बीज जब डाल ले हब, तब तो सिंचाई करे के समय आ जाता है, तो सिंचाई जब करबै और नर्सरी में जितना पानी चाहिए उतना रह जाता है, ज्यादा जो पानी होता है तो ऐ छेद से होके वो निकल जाता है। जोन तरह से हम डाल रही है आहा भी एक आदमी इमे डालो। अब दू गो पॉली बैग तैयार हो गए, अब जो हम पैकेट जो है बीज के निकालबै। अब जो है दू गो पॉली बैग है तई में हम दुइये ठो बीज निकालबै हाथ पर, ठीक ना दीदी? दू ठो बीज निकाल लिए दीदी। अब जो है एक चीज पर ध्यान देबै कि ए पॉली बैग में बीज डाले से पहले उंगली के 1 इंची जो है ना ऐसे 1.25 इंची गड्ढा करबै, देख ले लिए। अब 1.25 इंची गड्ढा जो हो गई दीदी होल, ओ में हम अब एक गो बीज डाल दे भाई। डाल दे लिए। छेद में बीज डालला के बाद मिलाल मट्टी से एकरा एक रंग कर देवे ला है, कर दे लिए। अब जो है दीदी हमेशा ध्यान रखम कि पोली बैग के धूप में रखे के, जे कि 8 घंटा धूप लग सके और एकरा पुराना सूखल घास हो या लिबारी हो उसे ढक के, और सिंचाई प्रत्येक दिन करे के, मतलब रोज झरना से सिंचाई करे के है, और जब तक जनमेशन न हो जाए तब तक लिबारी या पुराना खर जो है पर ओकरा न हटाए। भैया ये बिच्ची कितना दिन में जलमतै? दीदी बीज के जन्मेशन होए में मतलब पौधा बने में कम से कम 8 से 10 दिन तो लगिए जाते। नर्सरी लगावे का तरीका तो भैया बता दिलिए। हाँ दीदी, लेकिन खेत में कितना दिन में पौधा लग जाते? दीदी जब 1 फीट के हो जाते है ना तब खेत में यहाँ लगा सके। पपीता के खेती करे से भैया की लाभ होते? 1 कट्ठा में 56 पौधा लगता है और 1 पेड़ से 50 किलो फल तैयार होते दीदी। पौधा में 28 क्विंटल फल तैयार होते दीदी। 28 क्विंटल पपीता अगर 5 रुपये किलो भी बिकलाय तो 14,000 रुपया के। दीदी और ये पपीता के जो पौधा है पेड़ है ये 8 महीना के बाद फल देवे के शुरू हो जाए, धूप में लेके रखे के है दीदी।